जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। अभी कुछ समय पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 की नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। भी परीक्षा है वो कब आयोजित हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए भी बोर्ड परीक्षा 2022 के परीक्षा के लिए 17 जनवरी से प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। 17 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं वो इस साल लिए जाएंगे। किस प्रकार से क्या रहेगा, बोर्ड ने अपने लेटर में क्या कहा है, ये सारी बातें अब हम इस लेटर से समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 जनवरी यानी आज अभी शाम को 5 बजे के आसपास ही लेटर बोर्ड ने जारी किया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, और विषय है उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोविड परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही है और कोविड की तीसरी लहर की संभावनाएँ भी व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों और परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं गत वर्ष अनुसार ही विद्यालय स्तर पर, सबसे पहली बात तो ये जान ले आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो स्कूल लेवल पर ही होगा। विद्यालय में अध्यापन करवा रहे योग्य विषय अध्यापकों से दिनांक 17 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 के मध्य संपन्न करवाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब आपके स्कूल में, चाहे आपका स्कूल सरकारी हो और चाहे आपका स्कूल प्राइवेट हो, प्राइवेट या सरकारी कोई भी स्कूल हो, आप किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हो, आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मिंटू से अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लें भूगोल विषय में आपको पता है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो स्कूल में आपको जो भूगोल विषय पढ़ा रहे जो टीचर हैं वही आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो लेंगे। और कब? 17 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य। अतः आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों में एतद बाबत निर्देशित करवाएं और इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई है वो संपन्न कराने का श्रम करें। तो यानी डीओज को कहा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है बोर्ड ने। अब जिला शिक्षा अधिकारी है वो इसी सूचना को स्कूल के को भेजेंगे और बता देंगे भी सभी को भी इस प्रकार से ये परीक्षा आयोजित होनी है। सोशल मीडिया का टाइम है तो आजकल ये बातें बहुत जल्दी है वो सब तक पहुँच जाती है। पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे मेन वर्ष 2022 के नियमित परीक्षार्थियों, नियमित जिनका रेगुलर एडमिशन है स्कूल के अंदर, की प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही विषयवार अध्यापन करवा रहे योग्य विषय अध्यापकों से उक्त निर्धारित अवधि में संपन्न करवाएं। अवधि आपको पता है 17 जनवरी से 5 फरवरी के बीच। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान राज्य सरकार द्वारा COVID-19 की गाइडलाइन है उसकी पालना करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है, वो सारी चीज़ें। तीसरा है मेन कि जिन विद्यालयों में किसी विषय का विषयाध्यापक नियुक्त नहीं है, विशेषकर सरकारी, कई सरकारी स्कूलों में ये समस्या आ जाती है उनके सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तब क्या होगा? तो ऐसे विद्यालय में समीप के किसी अन्य विद्यालय के विषयाध्यापक को नियुक्त कर परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएगी। तो उस स्कूल के संस्था प्रधान है वो डीओज को कहेंगे भी हमारे स्कूल में सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो डीओ है वो पास के किसी स्कूल की टीचर की ड्यूटी है वो आपके स्कूल में लगा देंगे और बता देंगे भी इस दिन वो टीचर आएंगे और उस दिन आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। अब कई ये सोच रहे होंगे भी पेपर कैसा आएगा, तो आपको बताऊं हमने टेलीग्राम के ऊपर बोर्ड परीक्षा के जो आपके 4 चैप्टर हैं, भूगोल विषय की बात करें तो 4 चैप्टर सिलेबस में हैं और 4ों चैप्टर की PDF वहाँ डाल रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपने फाइल में तैयार भी किए होंगे, उसी तरह के प्रश्न हैं वो आपके पेपर में आपको मिलेंगे। इसका एक नमूना प्रश्न पत्र भी बोर्ड है वो 17 जनवरी से पहले जारी कर देगा और लगभग जो नमूना प्रश्न पत्र है वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द रहेगा। और किस प्रकार से क्या होगा वो अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियोज़ के अंदर उसकी पूरी बात अपने कर चुके हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के सुव्यवस्थित रूप से संचालन और विद्यालय चाहे राजकीय हो चाहे निजी यानी गवर्नमेंट या प्राइवेट के निरीक्षण हेतु जिले के सीबीओ को निर्देशित कर पाबंद कराए। इसका मतलब जब आपके स्कूल में पेपर हो रहे होंगे प्रैक्टिकल के, उस टाइम एक फ्लाइंग टीम भी है वो राउंड पर रहेगी भी परीक्षा है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। अगला पॉइंट है कि प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा जारी विषयवार संक्षिप्त पाठ्यक्रमानुसार करवाई जाएगी। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 30% सिलेबस कम किया है, जैसे भूगोल के अंदर 6 चैप्टर हैं लेकिन आपके बोर्ड के अंदर 4 जो चैप्टर हैं उनका पेपर आएगा, तो उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अभी जो सिलेबस बताया हुआ है पूर्व में उसी के अकॉर्डिंग है वो परीक्षाएँ होगी। अगला पॉइंट है कि विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री उत्तर पुस्तिकाएं ग्राफ ड्राइंग शीट आदि जिले के नोडल केंद्रों पर बहुत जल्द है वो पहुंचा दी जाएगी और वहां जैसे ही आएगी स्कूल को सूचना हो जाएगी और वहां से प्रत्येक स्कूल है वो सामग्री लेके आएगा। बच्चों को बताना चाहूँगा भी जो परीक्षा आप दोगे ना प्रैक्टिकल वाली तो उसकी जो कॉपीज होती है वो नोडल स्कूल पर भेज देता है बोर्ड और वहां से स्कूल वाले लेके आते हैं और उसी पर आपकी परीक्षा है वो करवाई जाती है, तो ये स्कूल लेवल का काम है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सभी विद्यालयों को निर्देशित करें कि उनके विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित कर कम से कम 3 दिन पहले आपको प्रेषित करें। तो यानी 3 दिन पहले यानी 17 जो भी आपके स्कूल में 17 से लेकर 5 फरवरी के बीच कभी भी आपके प्रिंसिपल्स और सब्जेक्ट टीचर मिलकर डिसाइड करेंगे भी 17 जनवरी से 5 फरवरी के बीच कब परीक्षा लेनी है, इसकी सूचना भी जो भी आपके स्कूल की डेट होगी, हर स्कूल की अलग अलग हो सकती है, उसकी सूचना 3 दिन पहले डीओ ऑफिस में देनी होती है ताकि वहां से फ्लाइंग आए और देखे भी आपका परीक्षा कार्य सही चल रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद विद्यालय की विषयवार प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार संपन्न करवाकर बोर्ड के जो नियम निर्देशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग परीक्षा करवाई जाएगी। विषय अध्यापक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपकी कॉपी जांचेंगे और उनके द्वारा ली गई परीक्षा के अंक अंतिम बैच, समझिएगा यहाँ कुछ लिखा है भी अंतिम बैच की ली गई परीक्षा से 2 दिवस में यानी जिस दिन आपके स्कूल के सभी बच्चों के पेपर संपन्न हो जाएंगे प्रैक्टिकल के, उसे अगले 2 दिन में बोर्ड को ऑनलाइन अंक है वो आपके भेज दिए जाएंगे, जिसका लिंक है वो बोर्ड अपनी साइट के ऊपर दे देता है और उसके पासवर्ड कोड वगैरह जो भी होते हैं उनके माध्यम से नंबर आपके बोर्ड को सीधे ही प्रेषित कर दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है। और उसके बाद अगला पॉइंट है और जो कॉपीज है वो स्कूल के अंदर ही सुरक्षित रहेगी और बाद में बोर्ड है वो अपने आप वहां से उत्तर पुस्तिका है वो उठवाने की बात कर लेता है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बनाए गए युग्म यानी जो बैच बनते हैं उनके अनुसार ही परीक्षार्थी निर्धारित तिथि को परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी परीक्षा विषय अध्यापक से उक्त अवधि के मध्य संपन्न करवाई जाए, ये समझ लीजिएगा। यानी किसी बच्चे का जैसे 17 तारीख को पेपर है, वो किसी कारण से 17 तारीख को पेपर नहीं दे सका, कोई भी कारण हो गया होगा, और उसके स्कूल में अगले दिन भी प्रैक्टिकल की परीक्षा यानी 18 तारीख को भी चल रही है, तो आप अगले दिन वो परीक्षा में संपन्न हो सकते हो यानी पेपर दे सकते हो, इसका मतलब ये है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके स्कूल में अगर परीक्षा 1 दिन है तो आपको इसका मतलब उसी दिन शामिल होना है, अगर 2 दिन है तो 2 दिनों में आपको शामिल होना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वो बोर्ड परीक्षा फिर आयोजित नहीं हो पाएगी, नंबर आपकी अनुपस्थित मानते हुए भेज दिया जाएगा और उसके लिए फिर आपको वही बोर्ड के अंदर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आए, इसलिए जो निर्धारित तिथि आपके स्कूल टीचर आपके लिए कर देते हैं परीक्षा तिथि, उस दिन आपको परीक्षा में बैठना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे विषय का चयन किया गया जिसका विद्यालय में संचालन नहीं होता तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से निकट के अन्य विद्यालय में उस विषय के परीक्षार्थियों के साथ संपन्न कराई जाए। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्कूल में नहीं चल रहा लेकिन बच्चे ने ले रखा है तो उसकी परीक्षा जिस स्कूल में डीओ कह दे और जहां पर वो सब्जेक्ट चलता है वहां पर परीक्षा है वो ली जा सकती है। अगला पॉइंट है कि प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन 2 बैचों में संपन्न करवाई जाएगी।
बैच बनाए जाएंगे, लैब की कैपेसिटी होती है मोस्टली। जैसे भूगोल विषय की बात करें तो 20 का एक बैच बनाया जा सकता है, तो एक दिन में 40 बच्चों के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। और अगर 40 बच्चों का एक बैच बनाया है तो एक दिन में 80 बच्चों तक का प्रैक्टिकल है वो लिया जा सकता है। ये आपके सब्जेक्ट टीचर बोर्ड के नियमानुसार डिसाइड करेंगे, यानी 80 बच्चों का प्रैक्टिकल एक दिन में आराम से संपन्न करवाया जा सकता है। और किंतु किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है और विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा प्रतिदिन 3 बैच में भी संपन्न करवाई जा सकती है। तो एक दिन में 3 बैच भी लिए जा सकते हैं अगर स्कूल में व्यवस्था है और कोविड प्रोटोकॉल है उसकी अगर पालना हो सकती है। और उसके बाद प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष है, वो भी 16 जनवरी से 5 फरवरी तक बनाया जाएगा। यानी सूचना देने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है स्कूल वालों को प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर तो वहां से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें एक लिपिक और चतुर श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी, जिनको मानदेय हैं वो भी मिलेगा। आपसे निवेदन है कि यानी डीओज को बोर्ड फिर निवेदन कर रहा है कि वर्तमान कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर की प्रायोगिक परीक्षा वो बोर्ड नियमानुसार और निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में संपन्न करवाकर इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम मुख्यालय को 3,000, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारियों को 2,000 और प्रत्येक CBOs को 2,000 रुपये एक मुश्त जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर दे होंगे। और उक्त अवधि में बोर्ड के किसी प्रकार की समस्या आती है तो बोर्ड ने अपनी हेल्पलाइन नंबर भी दी है, ये नंबर हैं, इन पर संपर्क करके स्कूल वाले संपर्क कर सकते हैं। 0145-262-0739-262-3949। और प्रायोगिक परीक्षा सामग्री के संबंध में अगर कोई किसी स्कूल को सामग्री प्राप्त नहीं हो रही तो वो इस नंबर के ऊपर संपर्क है वो कर सकते हैं। और ये ऑर्डर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं अरविंद कुमार सेंगवा जी ने आज ही 3 जनवरी को ये जारी है वो किया है। तो इस प्रकार आप समझ गए भी बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा कब संपन्न हो रही है, 17 जनवरी से। एक बार पुनः समझ ले, 5 फरवरी के बीच परीक्षा कहाँ होगी, परीक्षा आपके आपके स्कूल के अंदर ही होगी, स्कूल के अंदर। सीधी सी बात, मोटी बात आप क्या समझेंगे, प्रैक्टिकल लेने के लिए एक साल पहले की बात करूं तो किसी दूसरे स्कूल के या किसी दूसरे क्षेत्र के जो टीचर हैं जो परीक्षा लेने आते हैं उनको एग्जामिनर कहा जाता है, परीक्षक, परीक्षक आते थे उनको कहते थे बाह्य परीक्षक, बाहरी परीक्षक भी। बाहर से विषय अध्यापक आता है वो परीक्षा आयोजित करवाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, इस बाह्य शब्द को खत्म कर दिया, यानी बाहर से कोविड के कारण ऐसा हो रहा है तो आपके स्कूल के जो टीचर हैं जिनको कहा जाता है आंतरिक परीक्षक, तो आपके स्कूल के टीचर का नाम उस दिन हो जाएगा एक तरीके से इंटरनल एग्जामिनर। तो आपके स्कूल टीचर ही इंटरनल एग्जामिनर की भूमिका बोर्ड के आदेशानुसार निभाते हुए आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा है वो संपन्न है वो करवाएंगे। एक दिन में 2 और जरूरत पड़ने पर तो 3 बैच है वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। पैटर्न क्या है उसकी जानकारी मैंने भी वीडियोस में दी है, आपके स्कूल टीचर ने भी, सब्जेक्ट टीचर ने भी आपको बताई होगी। और 17 जनवरी तक नमूना प्रश्न पत्र भी बोर्ड है वो अपना प्रैक्टिकल का जारी कर देगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आ जाएगा, आपके स्कूल के टीचर भी आपको बता देंगे। ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर जो बताया जाएगा वही है, तो आपके सब्जेक्ट टीचर, तो सीधी सी बात है आपके विषय अध्यापक का रोल बड़ा हो गया है। आपके विषय अध्यापक आपको जिस प्रकार से गाइड करें उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी है वो करनी है, किस प्रकार से फाइल बनानी है क्या है वो सारा काम अब आपके विषय अध्यापक के अंडर में आ गया है। तो आप और बाकी फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। जरूरत पड़ने पर और वीडियो भी बना सकता हूं। और बाकी आप अपने स्कूल के विषय अध्यापक से संपर्क करें, सर से पूछें, अपने आप हर बात को आपको अच्छे से वो क्लियर करेंगे। ध्यान रखिएगा अब आपको अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी है, यूं रिलैक्स नहीं हो जाना है भी बस अब तो मेरे स्कूल में ही हो रहा है क्या जरूरत है अब ज़्यादा माथापच्ची करने की। ये नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, सीखने की लालसा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉपीज़ के अंदर कुछ अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा। इसलिए ईमानदारी जरूरी है, जो भी काम आप करो उसके अंदर 100% ईमानदारी होनी चाहिए। तो अच्छे से आप प्रैक्टिकल की तैयारी है वो भी आपको
करनी है और कर लीजिएगा। और वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है 15 से 18 साल तक के बच्चों का। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं बिना किसी भय के। किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोविड को हराना है इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाना है। तो ये काम भी आपको करना है, प्रैक्टिकल की भी तैयारी करते रहिए, साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहिएगा। हर चीज़ यहाँ पर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपके लिए हाजिर रहता हूँ। कैसा लगा आज का सेशन और क्या आपको किसी प्रकार की अभी तक भी कोई समस्या है तो बताइएगा, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी शेयर कीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।